कहां गायब हो गई सीमा हैदर? न सिर्फ सीमा हैदर बल्कि सचिन मीणा भी अपने घर से दो दिन से गायब है। तमाम अटकलों के बाजार गर्म हो गए। सोशल मीडिया पर तो पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल तो ये वाकई में जायज है, वाजिब सवाल है कि आखिरकार सीमा हैदर गई कहां? दो दिन से वो अपने घर पर है क्यों नहीं, और अगर घर पर नहीं है तो है कहां? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। दरअसल सचिन मीणा के चाचा ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि पिछले 5 दिनों से सीमा और सचिन से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि खुफिया एजेंसियों ने दोनों को किसी गुप्त स्थान पर रखा हुआ है। इधर सूत्रों के मुताबिक सीमा और सचिन पुलिस और ATS की निगरानी में है। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस ने अभी इस मामले पे कुछ भी नहीं कहा है। दो दिनों से सचिन के घर का दरवाजा भी लगातार बंद है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। घर पर सचिन के पिता ही मौजूद हैं। दरवाजे पर एक पर्ची चिपका दी गई है जिस पर मीडिया से निष्ठा में दखल न देने की अपील की गई है। वहीं इंस्टाग्राम पर भी सीमा एक्टिव नहीं दिख रही। सीमा से पहले भी ATS 2 दिन तक पूछताछ कर चुकी है और अब चाचा ने तो दावा किया है कि भैया बीते 5 दिनों से ये लोग गायब हैं। 4 बच्चों की मां सीमा मई में नेपाल के रास्ते भारत आई थी। सीमा का दावा है कि पबजी गेम खेलते हुए लॉकडाउन के समय उसकी सचिन से दोस्ती हो गई थी। इसी साल मार्च में दोनों की मुलाकात नेपाल में हुई थी। सीमा पर जासूस होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। बिना वीजा लिए अवैध तरीके से भारत आना, भारतीय सीमा में घुसना, कई सारे पासपोर्ट होना, कई सारे फर्जी दस्तावेज होना, ये भी वजह माना जा रहा है कि सीमा को इन सब की वजह से पाकिस्तान वापस डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सीमा को 4 जुलाई को UP पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जमानत पर है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि UP ATS और साथ ही साथ पुलिस की निगरानी में है और एक बार फिर से दोनों से बातचीत, सचिन से भी और सीमा से भी बातचीत की जा रही है और उनको इसी वजह से गुप्त स्थान पर रखा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या सच्चाई निकल कर सामने आती है, कहां गायब हैं आखिरकार दोनों, ये भी पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।